आज हम आपको बॉलीवुड के एक मशहूर विलेन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 80 व 90 के दशक तक अपने हुनर से प्रमुख खलनायक के रूप में अपनी पहचान हासिल की। आपको बता दें कि हम जिस मशहूर खलनायक की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि खलनायक के किरदार से मशहूर हुए रंजीत की। अभी तक रंजीत 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने टेलीविजन धारावाहिक देश है, मेरा और कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म शर्मिली में निभाए गए उनके दमदार नकारात्मक भूमिका से उनको ये उपलब्धि मिली। मगर हम आज बात रंजीत की नहीं बल्कि उनकी बेटी की बात कर रहे हैं। रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है और इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम दिव्यंका बेदी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उनकी बेटी किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती है। अगर कोई भी एक बार दिव्यंका की तस्वीर देखे तो वे उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। सच में दिव्यंका बेहद ही खूबसूरत है। बॉलीवुड के बाकी स्टार किड्स की तरह दिव्यंका भी बॉलीवुड का रुख कर सकती थी, मगर उन्होंने ये राह चुनने की बजाय दूसरी राह चुनी। जी हाँ, ये एक फैशन डिजाइनर है। दिव्यंका को फैशन डिजाइनिंग के अलावा कई शौक है।